Hi everyone. So in this video, we are going to cover class 12 biology chapter number 7, which is human health and disease. So इस chapter को हम NCERT line by line go through करेंगे. जो भी important topics होंगे उनसे हम साथ साथ में questions भी करते चलेंगे. और बाकी आपको कोई भी doubts आ रहा हो बीच में जब मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये recorded session है, तो आप उसको comment section में डाल सकते हो. And I hope आप लोगों को ये जो chapter है वो अच्छे से समझ आए. So let's start with the chapter. इस chapter के अंदर जो आपको topics cover करनी है वो है common disease in human, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. हेल्थ फॉर अ लॉन्गर टाइम वॉज कंसिडर्ड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर. हेल्थ को क्या कहा जाता है कि स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी का बैलेंस है, जहाँ पे सर्टेन ह्यूमर्स जो होती है उनमें बैलेंस होता है. ठीक है, दिस इज वॉट अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड. ये इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और अर्ली ग्रीक्स जो थे जैसे हिपोक्रेट्स, उन्होंने ये असर्ट किया था. इट वॉज थॉट दैट द पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी. ठीक है, एंड वुड हैव फीवर्स. दिस आइडिया वॉज अराइव बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट. बस एक थॉट के बेसिस पे बताया गया कि पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी और एंड वुड हैव फीवर्स. कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बस ऐसे ही थॉट्स के बेसिस पे बताया गया. देखो, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाई विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसअप्रूव्ड गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ. ये जो ह्यूमर के बारे में बताया गया कि हेल्थ जो है स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड का, जहाँ पे ह्यूमर बैलेंस रहता है, इस जो ये जो रिफ्लेक्टिव थॉट था उसको विलियम हार्वे के ब्लड सर्कुलेशन वाले मेथड ने डिक्लाइन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेज थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. बाद में हमें जाके ये पता चला कि जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता है न्यूरल सिस्टम जो है हमारा उसके थ्रू, और एंडोक्राइन सिस्टम है उसके थ्रू. आवर इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे इम्यून बॉडी के पूरे हेल्थ का इम्यून सिस्टम जो है, आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ. ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है. हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. इसीलिए माइंड, हमारा जो मेंटल स्टेट है, हमारा दिमाग है, वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, अब देखो हेल्थ किस किस चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है. सो हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, पहला तो जेनेटिक डिसऑर्डर. अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे डिफिशियंसी विथ विच अ बेबी इज बॉर्न, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होगा, जिससे कि बचपन से है कोई बच्चा बॉर्न ही हुआ है ऐसे डिफिशियंसी के साथ, या फिर डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ. ठीक है, चाइल्ड में कुछ डिफिशियंसी हो गई उसके कारण हो सकता है, या फिर बर्थ से हो सकता है. और क्या हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्शन हो गया वो भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है हमारे. इसके अलावा लाइफस्टाइल, कैसा हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या खाना खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, कितना रेस्ट ले रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब भी डिसाइड करेगा कि हमारा हेल्थ कैसा होगा. ठीक है, सो द टर्म हेल्थ इज फ्रीक्वेंटली यूज बाई एवरीबडी. हेल्थ टर्म जो है आपको पता होगा, हेल्थ सब लोग यूज़ करते हैं, हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ खराब है एंड ऑल. हेल्थ डजंट सिंप्लीफाई सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, या फिर आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्थी हो, ऐसा नहीं होगा. हेल्थ को जो डिफाइन करेगा वो ये डिफिनेशन है, और इस डिफिनेशन को याद रखना. हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मतलब आप मेंटली ठीक हो, फिजिकली फिट हो और सोशली भी ठीक हो, तभी आप हेल्दी कहलाओगे. ठीक है, मेंटली का मतलब कि दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आप हेल्दी नहीं हो. फिजिकली फिट मतलब कोई बीमारी नहीं है आपको, फिजिकली फिट हो आप तो. और सोशली सोशल वेलबिंग का मतलब कि आप सोसाइटी में जा रहे हो, आपको बहुत ऑकवर्डनेस फील हो रहा है, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो थॉट्स को, तो भी आप पूरी तरीके से हेल्दी नहीं हो. ठीक है, अब यहाँ देखो, व्हेन अ पर्सन आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क. अगर कोई हेल्दी है तो अब काम अपने अच्छे से कर पाएगा, प्रोडक्टिव हो पाएगा और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाएगा अपनी लाइफ में, है ना. हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी भी इंक्रीज करता है, आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रहोगे. रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करेगा. अब देखो, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारा एक गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साथ साथ में योगा भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, किस लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए योगा इज इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, वैक्सीनेशन, इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. ठीक है, आप देखो, वाइल वेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड. डिजीज किसको कहते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है. तो जब मान लो हमारा कोई ऑर्गन, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन हमारे बॉडी का अफेक्टेड है, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ सिम्टम्स शो करेगा, कुछ साइन शो करेगा, जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया. ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स शो करेगा, तो हमें पता लगेगा हमें हेल्दी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हमें बीमारी है, वी हैव डिजीज. ठीक है, आप देखो यहाँ पे डिजीज दो कैटेगरी में क्लासीफाई किए जा रहे हैं. डिजीज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखना. इन्फेक्शियस किसको कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस किसको कहते हैं, वो हम भी पढ़ते हैं. डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसी बीमारी जो कि एक
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत आसानी से फैल जा रही है, आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, तुरंत फैल जा रही है, ऐसी बीमारी को हम इन्फेक्शियस कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन, मतलब बहुत कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि तुरंत एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जा रहा है ना, तुरंत आप अगर एक आदमी को कोल्ड है तो उसके साथ वाले दोस्त को भी कोल्ड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसीलिए ये बहुत कॉमन है और एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। हम कभी ना कभी तो इन्फेक्शन डिजीज से सफर करते ही हैं, ठीक है। सीजन चेंज हो जाता है, पानी चेंज हो जाता है, तो ऐसे सफर करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज से, ठीक है। कुछ इन्फेक्शियस, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। कुछ ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बहुत ज़्यादा फैटल है, फैटल का मतलब बहुत डेंजरस है, ठीक है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस के अंदर जो है कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। यहाँ पे एनसीईआरटी में मैंशन है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि कैंसर जो है मेजर कॉज ऑफ डेथ है, जो कि एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। बट देर आर सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जो कि इन्फेक्शियस भी होता है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में नॉन इन्फेक्शियस मेंशन है तो हम नॉन इन्फेक्शियस ही पढ़ेंगे फिलहाल। ड्रग और एल्कोहल अब्यूज जो होता है, ड्रग्स लेना, एल्कोहल लेना, ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब चलो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर का है, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग, वो हम पढ़ते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथ्स एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीज इन मैन। तो हमें डिजीज कौन कौन कॉज कर सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स वगैरह। और जो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन। तो ज्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो पैथोजन होते हैं और दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। तो पैथोजन क्या होते हैं? हमारे बॉडी को, होस्ट के बॉडी को, कोई भी होस्ट हो सकता है, होस्ट के बॉडी को, होस्ट क्या होगा? जिसमें पैथोजन आके रहेंगे। अब बॉडी के अंदर या ऊपर रह सकते हैं, अंदर पैथोजन जो रहते हैं, अंदर जो पैरासाइट रहेंगे वो इंडो होंगे और बाहर जो रहेंगे वो एग्जो होंगे, ठीक है। तो जो पैरासाइट है वो मोस्टली पैथोजन होते हैं, ठीक है। द पैथोजन कैन इंटर आर बॉडी बाई वेरियस मीन्स। पैथोजन हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से एंटर कर सकते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो ऐसे एंटर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और इंटरफेयर करेंगे हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी के साथ, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। तो हमें क्या है, आप तो बाहर का डैमेज देखने को मिलेगा, है ना, आउटर डैमेज देखने को मिलेगा, मान लो रैशेज हो गए, आउटर डैमेज, फंक्शनल डैमेज मिलेगा, मान लो पेट खराब हो गया। सो ऐसा हमें देखने को मिलेगा जब हमारे बॉडी में पैथोजन आके रहने लगेंगे। पैथोजन हैव टू अडैप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजन हमारे होस्ट के जो एनवायरनमेंट है बॉडी का उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। नाउ द पैथोजन दैट इंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच, रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अब एक पैथोजन है जो कि गट को, हमारे पेट को इन्फेक्ट करेगा, उसको पता है, मतलब वो ऐसा पैथोजन है जो कि हमारे पेट का पीएच लो होता है, एसिडिक होता है ना, और हमारे जो स्टमक है, गट है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। तो पैथोजन जो है इसमें भी सर्वाइव कर सकता है, नहीं करेगा तो हमें इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलॉन्ग विद द डिजीज कॉज। यहाँ पे हमें कुछ पैथोजन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है। तो सो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जो कि टाइफॉइड को कॉज करता है, टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग, किसमें? हमारे ह्यूमन बींग में। दीज पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटर कैसे करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और वो फूड वाटर कॉन्टेमिनेटेड होना चाहिए, यानी उसमें से पहले से सैल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो माइग्रेट कर जाएंगे हमारे दूसरे ऑर्गन में थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू और भी ऑर्गन में माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो है सिम्टम्स क्या होगा? सो सिम्टम्स होगा हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस होगी, कमजोरी होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं सैल्मोनेला टाइफी यानी टाइफॉइड फीवर के। आप देखो एट वर्स्ट केस क्या होगा, मतलब ये तो सिम्टम्स हैं, जिसको सीवियर केस में क्या हो सकता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ हो सकती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब इंटेस्टाइन में होल्स हो सकते हैं, छेद हो सकते हैं, ठीक है। नाउ टाइफॉइड फीवर को पहचाना कैसे जाए? तो WIDAL विडाल टेस्ट के मदद से टाइफॉइड फीवर को पहचाना जा सकता है। एक क्लासिक केस है टाइफॉइड फीवर का, मैरी मेलोन का, जो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैरी मेलोन, जिसके नाम पे, जो कि मैरी मेलोन को निकनेम किया गया था टाइफॉइड मैरी के नाम पे, क्योंकि वो एक कुक थी और उसको टाइफॉइड का था, वो एज अ कैरियर बनी टाइफॉइड की और स्प्रेड करी टाइफॉइड को, वो जो खाना प्रिपेयर करती थी ना उसके थ्रू, ठीक है। तो ये क्लासिक केस है मेडिसिन के अंदर, याद रखना इसको, मैरी मेलोन का। अब देखो अगला बैक्टीरिया जो है, अगला पैथोजन है, वो भी बैक्टीरिया ही है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
ये दोनों जो बैक्टीरिया है वो किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? न्यूमोनिया के लिए। अब न्यूमोनिया जो है हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है ना, एयर फील्ड जो होती है एल्वियोलाई वो लंग्स के अंदर होती है। अब इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे? तो एल्वियोलाई जो होगा वो फिल हो जाएगा फ्लूइड के साथ। अब एल्वियोलाई क्या हो गया मुझे, अब एल्वियोलाई के अंदर जब मान लो एयर फील्ड सैक है उसके अंदर से एयर निकलता है बाहर जाता है और हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बट उसमें अगर फ्लूइड भर जाएंगे तो हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। सो सिम्टम्स निमोनिया का देख लो, फीवर होगा, चिल्स होगा, कफ होगा, हेडेक होगा। और अगर सीवियर केस हो जा रहा है निमोनिया का, सीवियर केस में क्या हो जाता है, लिप्स और फिंगर नेल्स वो ग्रे टू ब्लूइश कलर में चेंज हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाएगा, स्पेशली किसका, लिप्स और फिंगर नेल्स का। हेल्दी पर्सन कैन अक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये डायरेक्टली ड्रॉपलेट होगा, मान लो जिसको निमोनिया है उसके वो खास अच्छी का उसके ड्रॉपलेट्स या एरोसोल जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन का उससे फैल सकता है। या फिर आप किसी की बर्तन पानी पी रहा है वो उसका बॉटल शेयर कर रहे हो, ग्लास शेयर कर रहे हो, उसके बर्तन को शेयर कर रहे हो तो इन्फेक्ट हो जाओगे आप, क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। और इसके अलावा जो बैक्टीरियल डिजीज का एग्जाम्पल है वो है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया। तो याद रखना एनसीईआरटी में आपके यही बैक्टीरियल डिजीज मेंशन है, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू वायरल डिजीज। अब वायरल डिजीज क्या है? मेनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन वुमेन, जैसे कि राइनो वायरस हो गया। राइनो वायरस मतलब रिप्रेजेंट करता है ऐसे ग्रुप ऑफ वायरस को जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, जो कि कॉमन कोल्ड को कॉज करता है। दे इन्फेक्ट आर नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, हमारे नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को करेंगे। द कॉमन कोल्ड कैरेक्टराइज्ड बाई, मतलब इसका सिम्टम कॉमन कोल्ड का क्या है, नेजल कंजेशन, नाक हमारी बंद हो जाएगी, नाक नेजल डिस्चार्ज, नाक से हमारे डिस्चार्ज होने लग जाएंगे, सोर थ्रोट, गला खराब, होरनेस, आवाज हिन हिनाती हुई आवाज आएगी, ठीक है, कफ, खांसी, हेडेक, टायर्डनेस हो जाएगा। तो ये सारा सिम्टम्स है और ये मेनली कॉमन कोल्ड मेनली 3 से 7 दिन तक लास्ट करता है, ठीक है। कैसे होगा हमें ये फैलेगा कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? सो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट, जैसे कि निमोनिया में होता था, ऑफ कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, आर इधर इनहेल डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली आपने इनहेल कर लिया किसी के ड्रॉपलेट को, इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट को, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने आपके थ्रू अंदर आ गया, मान लो पेन उसका टच कर लिया, बुक्स टच कर लिया, कप्स वगैरह, या फिर जो भी चीजें टच कर ली उसके ऑब्जेक्ट को जिसपे मान लो वायरस है, तो आपके बॉडी में आ जाएगा। सो नाउ कमिंग टू प्रोटोजोअन डिजीज विच इज, यहाँ पे मेंशन है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा कॉज किया जाता है? एक पैथोजन जो कि प्रोटोजोआ है। अब देखो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नाम की स्पीसीज उसके द्वारा कॉज किया जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, डिफरेंट स्पीसीज, प्लाज्मोडियम का भी बहुत सारा स्पीसीज है, ये जीनस हुआ और इसके स्पीसीज है जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, जिसमें कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो मलेरिया कॉज करता है वो सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है और ये फैटल भी हो सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे कैसे इंटर करता है वो सब पढ़ना होगा, पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड्स होगा तो इंटर करेगा बॉडी में, ठीक है। एक पूरा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सो स्पोरोजोइड होगा वो एंटर करता है हमारे बॉडी में और स्पोरोजोइड ही इन्फेक्शियस फॉर्म होगा। याद रखना एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम क्या होगा, तो स्पोरोजोइड होगा। तो स्पोरोजोइड हमारे अंदर आता कैसा है, कैसे है? तो मस्कीटो के बाइट से, जब फीमेल मस्कीटो एनोफिलीज जो है, एनोफिलीज मस्कीटो से ही फैलेगा, ये भी याद रखना है, एनोफिलीज काटेगी तब जाके हमारे अंदर वो स्पोरोजोइड को छोड़ जाएगी, ठीक है। द पैरासाइट जो है, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल, पहले तो ये पैरासाइट लिवर सेल में डिवाइड करेगा, देन जाके रेड ब्लड सेल को अटैक करेगा, पहले ये लिवर में जाएगा, लिवर में जाके मल्टीप्लाई करेगा, देन अटैक करेगा हमारे आरबीसी को, आरबीसी को अटैक करेगा तो आरबीसी रप्चर होता है, आरबीसी के रप्चर होने से एक टॉक्सिन सब्सटेंस जो कि हीमोजोइन है वो रिलीज होता है और हीमोजोइन के वजह से ही हमें एकदम तेज बुखार रहता है जो कि कंटिन्यूस 3 to 4 days के लिए रह जाता है, ठीक है। सो हीमोजोइन जो है टॉक्सिक सब्सटेंस, पूछा जा सकता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है चिल्स फीवर के लिए, तो वो हीमोजोइन है, याद रखना। व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, ये पैरासाइट इसके अंदर चला जाता है मस्कीटो के बॉडी में और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट करता है मस्कीटो के बॉडी में, ठीक है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड, तो जो मस्कीटो के अंदर है पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा और स्पोरोजोइड बना लेगा और ये स्पोरोजोइड देन मस्कीटो के सेलिवरी ग्लैंड में चला जाएगा, सेलिवरी ग्लैंड से जो है वो मस्कीटो ट्रांसफर कर देगी ह्यूमन को, ह्यूमन को काटेगी, ठीक है, तब ट्रांसफर हो जाएगा। द स्पोरोजोइड आर इंट्रोड्यूस टू ह्यूमन बॉडी, इन टू हिज और हर बॉडी, ह्यूमन के बॉडी में आ जाएगा कैसे, मस्कीटो बाइट से।
स्पोरोसाइट बन कहाँ पे रहा है, स्पोरोसाइट बन रहा है मस्कीटो के बॉडी में, ठीक है। देर बाई इनिशिएटिंग द इवेंट मेथड इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर हाउ मेनी होस्ट, टू होस्ट, पहला होस्ट है ह्यूमन एंड सेकेंड है मस्कीटो। सो इसको मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम को दो होस्ट चाहिए, दो घर चाहिए इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और मस्कीटो जो है, एक तो मस्कीटो होस्ट भी है, यहाँ पे मस्कीटो एज अ होस्ट भी काम कर रही है, फीमेल मस्कीटो होस्ट भी है और साथ साथ में ये कैरियर भी है, यानी कि ये प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट को ट्रांसफर भी कर रही है। सो ये क्या है, बोथ, ठीक है। कैरियर को हम वेक्टर या फिर ट्रांसमिटिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ही बात है, कैरियर बोल लो आप या फिर वेक्टर बोलो, ट्रांसमिटिंग एजेंट बोलो। अब ये पूरा लाइफ साइकिल है, होपफुली आपको समझ में आ जाए। रुको थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि दो होस्ट यहाँ पे, एक तो मस्कीटो होस्ट है और एक ह्यूमन बींग। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हम मस्कीटो से स्टार्ट करते हैं पहले, ह्यूमन से स्टार्ट नहीं करते, मस्कीटो से स्टार्ट करते हैं। मस्कीटो से स्टार्ट करना थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ से स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जो है वो क्या करेगी, काटेगी ह्यूमन बींग को। काट रही है तो क्या छोड़ रही है हमारे अंदर, स्पोरोजोइड, ठीक है। यही स्पोरोजोइड जो होगा वो कहाँ जाएगा, लिवर के अंदर जाएगा। लिवर के अंदर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, लिवर के बाद ये हमारे आरबीसी में जाएगा। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली इन लिवर, ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेगी लिवर में, उसके बाद आरबीसी में जाएगा। आरबीसी में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बर्स्ट हो जाएगा और क्या निकलेगा, हीमोजोइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली इन रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। तो जब आरबीसी बर्स्ट होगा तो क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन। और हीमोजोइन ही क्या करता है, हाई फीवर कॉज करता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है, रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, है ना, रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू ब्लड सेल। यहाँ से जो पैरासाइट रिलीज होगा वो और ब्लड सेल को अफेक्ट करेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो स्टार्ट करते रहेगा, यहाँ से रिलीज होगा दूसरे ब्लड सेल को अफेक्ट करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल। अब इसी जो ये जो स्पोरोजोइट है उसका डिवाइड करके इसका सेक्सुअल स्टेज आ गया, अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। पहले एक एग था, स्पोर था, ठीक है, अब क्या बन गया, वो सेक्सुअली स्टेज पे पहुंच गया, अपने सेक्सुअल स्टेज पे पहुंच के रिप्रोड्यूस करेगा। अब रिप्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे देखो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल बना और इससे देन गैमेटोसाइट बना, यहाँ तक बन रहा है ह्यूमन के बॉडी में। देन उसके बाद कहाँ गैमेटोसाइट कहाँ जा रहा है, मस्कीटो में। मस्कीटो में कैसे जाएगा गैमेटोसाइट, तो मस्कीटो यहाँ पे आके काटेगी एनाफिलीज और हमारे अंदर से ये गैमेटोसाइट जो फीमेल मेल वाला है ना गैमेटोसाइट, ये ले लेगी, गैमेटोसाइट ले लेके और चली जाएगी मस्कीटो, ठीक है। अब यही जो है फीमेल मस्कीटो का गैमेटोसाइट वो डेवलप होगा, ठीक है, डेवलप होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, मस्कीटो के गट में होता है, तो ये बात याद रखो, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, गट ऑफ मस्कीटो, ठीक है। अब यहाँ पे मस्कीटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा, ये रहा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद क्या बनेगा, स्पोरोजोइड बनेगा और स्पोरोजोइड ट्रैवल करके मस्कीटो के सेलिवरी ग्लैंड में आएगा। सेलिवरी ग्लैंड में आने के बाद जब मस्कीटो फिर से काटेगी तब जाके वो स्पोरोजोइड को ट्रांसफर कर देगी। आई होप कि आपको ये साइकिल समझ में आ गया हो। और स्पोरोजोइड जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मस्कीटो के बॉडी में हो रहा है, फिर हमारे अंदर स्पोरोजोइड को आके ट्रांसफर करेगी, हमारे अंदर से फिर वो गैमेटोसाइट को लेके जाएगी, गैमेटोसाइट को लेके जाएगी और अपने अंदर उसको, मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्शन, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर स्पोरोजोइड बनेगा फिर से, तो ये साइकिल कंटिन्यू होगा, ठीक है। नाउ अब हमारा दूसरा डिजीज हो गया आता है यहाँ पे स्टेज, प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है तो लाइफ साइकिल को ध्यान में रखना, हो सके तो ये पिक्चर को जो है वो ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि क्या पता पिक्चर आ जाए एग्जाम में और अपने कमरे वगैरह में चिपका लेना। अगला हमारा है, अगला प्रोटोजोअन एंड अमीबा हिस्टोलिका, ये भी एक प्रोटोजोअन है, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन था। ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉज अमीबायसिस, तो एंड अमीबा हिस्टोलिका कौन सी बीमारी को कॉज करता है, अमीबायसिस, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबायसिस एक ही बात है। इसके सिम्टम्स होंगे कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ये सिम्टम्स होंगे। अब ये कैसे फैलता है, हाउस फ्लाई एक कैरियर के जैसे यहाँ पे एक्ट करेगी और इस डिजीज को कहाँ से कहाँ तक ले आएगी, फीसेज,
मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन का फीसेज, एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो वेस्ट मटेरियल है उससे आपके फूड में लेके आएगी और आप उस फूड को खाओगे या उस पानी को पियोगे तब जाके क्या होता है, आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ह्यूमन फीसेज से वो कहाँ से कहाँ तक लेके आएगी, फूड तक लेके आएगी आपके। मक्खी पहले फीसेज पे जाके बैठेगी इन्फेक्टेड पर्सन के, वहां से उठाएगी और इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम को लेके आएगी। कहाँ पे लेके आएगी, आपके फूड पे या वाटर पे, और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हो गया। नाउ अब अगला हम देखते हैं एस्कैरिस। प्रोटोजोन हमने पढ़ लिया, अब एस्कैरिस देखते हैं कि कौन सा एस्कैरिस जो होता है। एस्कैरिस को हम हेलमिंथ्स भी कह सकते हैं। सो एस्कैरिस द कॉमन राउंड वॉर्म एंड विच एरिया एंड द फिलेरियल वॉर्म और सम ऑफ द हेलमिंथ्स विच नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। तो एस्कैरिस के द्वारा जो डिजीज कॉज हो रहा है वो क्या है, एस्कैरियसिस। अब एस्कैरियसिस का सिम्टम हो जाएगा इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ब्लीडिंग होगी हमारे बॉडी के, मस्क्यूलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इंटेस्टाइनल पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा कि ब्लॉक हो जाएगा। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग द फीसेज ऑन इन्फेक्टेड पर्सन विच कॉन्टेमिनेट सॉइल वाटर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीसेज है वो मान लो सॉइल और वाटर को, प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, और वहां से अगर कोई आदमी वाटर, वेजिटेबल या फ्रूट को खा रहा है बिना धुले, इसलिए बिना धुले हुए जो होते हैं नहीं खाने चाहिए, सब्जी फल वगैरह को आपको हमेशा धुल के ही खाना चाहिए। सो उससे ये ट्रांसमिट हो सकता है एक हेल्दी पर्सन में। अगला देखो विचरेरिया, विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड विचरेरिया मलाई। ये फिलेरियल वॉर्म जो कि स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक और डेवलपिंग क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ ऑर्गन को कॉज करते हैं। इसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक वेसल जो होता है हमारा लोअर लिम का, यहाँ से लोअर लिम, ये नीचे का जो है ना उसको लोअर लिम कहते हैं, दिस पोर्शन ये लोअर लिम है, तो ये जो पोर्शन है इसको इन्फेक्ट कर देती है लोअर लिम को, और इसी को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इस सिम्टम में क्या होगा, मतलब इस बीमारी में क्या होगा, जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट होंगे, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटी आप यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर के हेल्प से दिख रहा है इस तरीके का। सो इसीलिए देखो एलिफेंट फुट है ना, इसलिए एलिफेंटियासिस कहते हैं। ये पैथोजन कैसे ट्रांसमिट होती है, मस्कीटो इसका वेक्टर है, ठीक है, मस्कीटो वेक्टर है, मस्कीटो के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और जो मस्कीटो ये डिजीज को कॉज करती है वो होती है क्यूलिक्स, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं फंजाई पे कि कौन कौन से फंजाई यहाँ पे मेंशन है जो डिजीज को कॉज करते हैं। बिलोंगिंग टू जनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म होता है, रिंगवॉर्म कॉज होता है, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, स्किन में मेनली कॉज होता है और ये फंजाई के द्वारा कॉज किया जाता है इन ह्यूमन। रिंगवॉर्म में क्या होता है कि अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प पे देखने को मिलता है इस टाइप का लीजन्स। दे आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ये सिम्टम्स हो गया। ये लीजन में इचिंग भी होगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगस टू ग्रो। हीट और मॉइस्चर एक साथ जहाँ पे होगा वहाँ पे ये फंगस के लिए सुटेबल कंडीशन हो जाता है ग्रो करने के लिए, विच मेक देम इन स्किन फोल्ड एंड दोज एरिया इन द ग्रोइन एंड बिटवीन टोज। तो टोज के बीच में ग्रोइन एरिया है हमारा, वहाँ पे भी ये ग्रो हो सकती है, ठीक है। फैल कैसे सकता है रिंगवॉर्म, जनरली फ्रॉम सॉइल और यूजिंग टाल, क्लोथ्स, इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन का टाल यूज कर रहे हो, कॉम्ब यूज कर रहे हो, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है क्लीनिंग वगैरह के लिए, कि क्लीनिंग वगैरह रखे हमेशा, कैसे आप ये सब बीमारी से बच सकते हो। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना है, पानी साफ पीना है, फ्रूट फल सब्जियां ये सब साफ आपको खाना है, पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कि आप वेस्ट एक्सक्रीटा को अच्छे से डिस्पोज कर रहे हो, पीरियोडिक क्लीनिंग कर रहे हो, डिसइन्फेक्शन, आपके यहाँ पानी का एकदम भरा हुआ पानी बहुत दिन से नहीं पड़ा हुआ है, उससे क्या होता है मच्छर जो होती है वो उनका बर्थ होता है। टैंक वगैरह को रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, और इसके अलावा क्योंकि दीज मेजर्स आर एसेंशियली फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज इसी सबसे फैलती है। टाइफॉइड हो गया, अमीबायसिस हो गया, एस्केरियसिस हो गया, ये सब इसी से फैलेगा। अब एयरबॉर्न डिजीज के लिए क्या आप कर सकते हो, जैसे निमोनिया, कॉमन कोल्ड के लिए आप क्या कर सकते हो कि इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में ना हो, उससे दूर रहो, उनके बिलोंगिंग्स से, उनके सामान वगैरह से दूर रहो। और मलेरिया जैसे डिजीज के लिए जो कि मच्छर से ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंसेक्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं फिलेरियसिस वगैरह, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वेक्टर को एलिमिनेट करो, मस्कीटो की ब्रीडिंग को रोको, है ना। तो क्या करना है आपको, स्टैग्नेंट वाटर ना हो आपके आसपास, रुका हुआ पानी आपके रेसिडेंशियल एरिया के अराउंड, क्लीनिंग करते रहो, मस्कीटो नेट का यूज करना, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गैम्बूशिया इन पॉन्ड। गैम्बूशिया एक मछली है जो कि मच्छर को खा जाती है, तो आप इसका भी, गैम्बूशिया का भी यूज करके क्या कर सकते हो, मस्कीटो के ब्रीडिंग को रोक सकते हो, ठीक है। मस्कीटो के लार्वा को खाती है, मस्कीटो के लार्वा को ये फिश खाती है, ठीक है। नाउ इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज करना, ड्रेनेज एरिया को क्लीन रखना, डोर विंडो ये सब मैश लगा के रखना डोर विंडो पे, ताकि मस्कीटो अंदर ना आ पाए। ये सब क्या कर सकता है, आपके वेक्टर बॉर्न डिजीज को रोक सकता है, ठीक है, जो कि वेक्टर से फैलता है। एड्स मस्कीटो हो गया, जैसे कि चिकनगुनिया करता है, यहाँ पे ये बात का ध्यान रखो।
vector-borne AIDS mosquito disease like dengue, chikungunya in many parts of India. So vector-borne AIDS mosquito क्या करता है? डेंगू और chikungunya को cause करता है. और malaria को कौन cause करता है? कौन सा मच्छर carrier है उसका? Anopheles. Filariasis का कौन सा है? Culex. ठीक है. So the advancement made in biological science have armed us effectively deal with the infectious disease. तो हमारे जो biological science में advancement आई है, जैसे कि immunization program आया है, vaccination जो लगता है, completely eradicated deadly smallpox. अब smallpox देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये जो immunization program के अंदर smallpox पे इतना काम किया गया कि अब smallpox बहुत rarely देखने को मिलता है, completely eradicate ही हो चुका है. A large number of infectious disease जैसे polio, diphtheria, pneumonia, tetanus, ये सब भी control किया जा सकता है vaccine के use से. ठीक है, ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस ड्रग हैज इनेबल्ड अस इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज. तो क्योंकि वेरियस ड्रग्स का इन्वेंशन हुआ है, एंटीबायोटिक का इन्वेंशन हुआ है, तो इससे इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है. ठीक है, अब हमारा बचा इम्यूनिटी, सेकेंड टॉपिक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या है ना? तो देखो, the overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by immune system. तो मान लो आपके body में कोई एक आदमी, उसके body में कोई virus आया या कोई protozoan आया, कोई भी parasite आया, उससे जो लड़ने की क्षमता है ना, जो हमारा immune system लड़ता है ना antibodies produce करके, उसको immunity कहते हैं. immunity दो तरीके का होगा, innate immunity and acquired immunity. ठीक है, innate immunity non specific होता है, मतलब specified नहीं है. That is present at the time of birth. बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है हमारे अंदर. दिस इज accomplished by providing different types of barrier. नॉन स्पेसिफिक से मतलब आप ये समझ लो कि मान लो किसी को कोविड है ना, तो ऐसा नहीं है कि innate immunity सिर्फ कोविड पे वर्क करेगा, नहीं. ठीक है, वैक्सीन क्या होता है? स्पेसिफिक होता है. कोविड का वैक्सीन कोविड के लिए ही लगेगा, कोविड का वैक्सीन टाइफाइड के लिए नहीं लगा सकते हो. बट innate immunity क्या होगा? नॉन स्पेसिफिक होगा. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? फिजिकल बैरियर आ जाते हैं, जैसे स्किन. हमारा स्किन एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है. हमारा स्किन हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री से रोकता है हमारे बॉडी में. ठीक है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथीलियम. हमारे एपिथीलियम पे जो म्यूकस की कोटिंग है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दिखता है, जीआई ट्रैक पे, यूरोजेनिटल ट्रैक पे, वो सब छोटे छोटे माइक्रोब्स को हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकता है. ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है हमारे स्टमक में जो एसिडिक कंडीशन है, हमारे माउथ में सलाइवा होता है, आंखों में जो टीयर्स होते हैं, ये सारे भी बैक्टीरियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं. तीसरी चीज आ गई सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर यानी कि सेलुलर बैरियर, सेल जो है वो बैरियर की तरह एक्ट करेगा. क्या है उसमें? ल्यूकोसाइट, WBC, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL न्यूट्रियोफाइल एंड मोनोसाइट. इसके अलावा नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोइड का एक पार्ट है नेचुरल किलर सेल. इन द ब्लड एक्ट एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यू कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो. तो ये जो सेलुलर बैरियर होते हैं, सेलुलर बैरियर का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्या करते हैं? सेल को खा जाएंगे. सेल कौन सा सेल? जो बाहर माइक्रोबियल सेल है उनको खा जाएंगे, माइक्रोब्स को खा जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे. ठीक है, नाउ साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? साइटोकाइन बैरियर होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल. तो मान लो एग्जाम्पल इसका बताती हूँ मैं कि ये सेल है. ठीक है, ये क्या है? आप एक सेल है ये सारे. ठीक है, अब मान लो इस सेल के ऊपर वायरस आके इन्फेक्ट कर दे रहा है. इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट करा. ठीक है, वायरस ने क्या करा? इन्फेक्ट करा. तो ये सेल क्या करेगा? सिक्रीट करेगा प्रोटीन जो कि इंटरफेरोन जिसको कहते हैं, जो कि आसपास के सेल को इन्फॉर्म कर देगा कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे बाकी नॉन इन्फेक्टेड सेल प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, बच जाएंगे. ठीक है, ये इंटरफेरोन को सिक्रीट करेगा. ठीक है, तो इसको हम साइटोकाइन बैरियर कहते हैं. नाउ कमिंग टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड का मतलब हम इसको गेन करते हैं आफ्टर बर्थ. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है. यहाँ पे इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक होता है. जैसे हाँ, एक बार अगर किसी को टाइफाइड हो रहा है तो दोबारा टाइफाइड उसके चांसेस होने के कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ना वो मेमोरी स्टोर्ड रहता है कि हाँ, ऐसा कोई पैथोजन एंटर किया था तो पहले से हमारी बॉडी डिफेंस में एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है. दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी रिस्पॉन्स. तो पहली बार अगर मान लो कोई पैथोजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में तो क्या प्रोड्यूस होगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. ठीक है, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है, कम इंटेंसिटी होती है जिसकी,
लेकिन बाद में अगर एनकाउंटर सेम पैथोजन के साथ होता है तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है और इसको हम सेकेंडरी या फिर एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, और इसीलिए फिर दोबारा हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करना वो वायरस या पैथोजन नहीं कर सकता है या बहुत कम चांसेस होते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बाद। दिस इज एस्क्राइब्ड टू द फैक्ट दैट बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि पहले एनकाउंटर के बाद मेमोरी बन जाती है, उसके बाद दूसरी बार जब वो वायरस या वो बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर करेगा तो हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडी बनाकर रेडी रखेगी। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम जो है इम्यून है वो रिस्पॉन्स होता है आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, दो स्पेशल लिम्फोसाइट है जो कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, टू फाइट विद देम। किससे फाइट करने के लिए, पैथोजन से फाइट करने के लिए सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, आर्मी ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, अभी मैंने बताया जैसे कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इसी एंटीबॉडी, यही जो प्रोटीन है ये एंटीबॉडीज है। नाउ टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, टी लिम्फोसाइट सिक्रीट कुछ नहीं करेगा, टी लिम्फोसाइट जो क्या करेगा, टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज, वो बी सेल को हेल्प करेगा एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में, समझ गए। मेनली जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है, मेनली एंटीबॉडी को बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा, और जो टी लिम्फोसाइट है वो हेल्प करेगा सिक्रीट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो, ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी याद रखना, इस स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है जानना, फोर पेप्टाइड चेन है यहाँ पे, चार पेप्टाइड चेन, दो लाइट और दो हैवी, देखो दिस इज लाइट वन और यहाँ पे हैवी, इधर लाइट चेन है और एक इधर भी होगा, ठीक है, लाइट और हैवी हो गया, एक दो हैवी हो गया। अब यहाँ पे आपको जो डिनोट करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीबॉडी को, वो है H2L2, क्यों, क्योंकि दो हैवी और दो लाइट चेन है यहाँ पे, ठीक है, फोर पेप्टाइड चेन है, दो लाइट एंड दो हैवी। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, हमारे बॉडी में अलग अलग एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, उसका नाम है IgA, IgM, IgE, IgG, इनमें से कुछ एंटीबॉडीज के नाम है। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इन फिगर, फिगर में दिखा रहा है आपको एंटीबॉडी का, वो आपको ध्यान से देखना है, लाइट चेन, हैवी चेन, जो भी है यहाँ पे, एंटीबाइडिंग एंटीजन बाइडिंग साइट है ये दोनों तरफ, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में फाउंड हो रही है इसीलिए इनके रिस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ फोर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड। अब इस लाइन को अच्छे से समझो, आप क्या बोल रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, पहला एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का टाइप हमारा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स था, ठीक है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है ब्लड में वो था। दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेकेंड टाइप ऑफ इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ कि पहला है यहाँ पे हमारा ह्यूमोरल एंड सेकेंड है सेल मेडिएटेड। नाउ द टी लिम्फोसाइट मेडिएट CMI, टी लिम्फोसाइट CMI को भी मेडिएट करेगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी मेडिएट करेगा। वेरी ऑफन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, लिवर, आई, किडनी फेल टू फंक्शन, ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। बहुत बार क्या होता है, लोगों को नीड होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि उनके ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं जैसे हार्ट, लिवर, आई, किडनी वगैरह, तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे देन अ सर्च बिगिन, डोनर चाहिए होता है। डोनर क्यों चाहिए होता है, ऐसे ही किसी का भी क्यों नहीं उठा के लगा देते हैं, क्यों चाहिए होता है, वट इज, तो बेसिकली मैच किए जाते हैं ग्राफ्स फ्रॉम डिस्टेंस सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग कांट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर, ठीक है। तो टिश्यू मैचिंग होगी, ब्लड ग्रुप मैचिंग होगी, और ये सब बहुत इसेंशियल है जब तक अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन, कि ट्रांसप्लांटेशन के पहले अगर मैच नहीं होता है ब्लड और टिश्यू तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। द बॉडी इज ऑल्सो एबल टू सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, और यही जो ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मानो ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो कौन करता है रिजेक्ट, यही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कि हमारे बॉडी में उसकी नीड नहीं है, वो ऑर्गन हमारे बॉडी में अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है इसीलिए रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है वो देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हमारे इम्यूनिटी का ही पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, मान लो एंटीजन आया बाहर का, जो भी है एंटीजन क्या है, पैथोजन होगा, ठीक है।
विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन. एंटीजन आता है हमारे बॉडी में, पैथोजन या फिर एंटीजन के अंदर और भी चीज़ें हो सकती है. मान लो डस्ट है जो आपके लिए एंटीजन है, हमारे बॉडी की बाहर की चीज़ एंटीजन हो गई. तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है हमारे होस्ट के बॉडी में. अब यही एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. एंटीजन आया, कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया और हमारा बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करा, एंटीबॉडी. ठीक है, क्यों प्रोड्यूस करा एंटीबॉडी, ताकि एंटीजन से लड़ सके और वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सके. और डिजीज़ कॉज भी कर दिया है तो उस डिजीज़ को कैसे हम रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं, यही एक्टिव इम्यूनिटी करता है. एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है, टाइम लगाता है और टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस टू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, मान लो कि माइक्रोब्स को एंटर करा गया आपके बॉडी में, कोई भी माइक्रोब को एंटर करा गया इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, है ना, कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को जानबूझ के एंटर किया गया आपके बॉडी में, कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमन के बॉडी में इंजेक्ट किया गया. क्यों इंजेक्ट किया गया, टू इंड्यूस नेचुरल इन्फेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी, ताकि आपकी एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाए, एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, हमारा बॉडी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने लग जाए. किस लिए, एंटीजन के रिस्पॉन्स में. ठीक है, तो वैक्सीनेशन वगैरह होती है ना, तो यही हुआ. अब क्या कहते हैं, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर गिवन, एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट नोन एज पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव में क्या था, हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रही थी. ठीक है, लेकिन पैसिव में क्या होगा, हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाएगा रेडीमेड इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडी हमें डायरेक्टली दिया जाएगा. ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी हो गया. डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर टू वेरी इसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न बेबी. क्यों होता है मदर मिल्क इसेंशियल, हमने पढ़ा था ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, मदर मिल्क क्यों इसेंशियल होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम की वजह से. तो फर्स्ट इनिशियल डेज के मिल्क होते हैं उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं और उसके अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है जो कि IgA एंटीबॉडी होता है और जो कि फीटस को प्रोटेक्ट करता है अलग अलग इन्फेक्शन से. सो जो फीटस रिसीव कर रहा है एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये एक टाइप का पैसिव इम्यूनिटी है क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडी आपको मिल रही है ना. तो ये हो गया आपका यहाँ पे एंटीबॉडी मतलब एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी खत्म. नाउ कमिंग टू वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन क्या है और इम्यूनाइजेशन क्या है. सो ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल ये वर्क करता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी की जो है कैपेबिलिटी उस पर वर्क करता है. वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन का प्रिपरेशन होता है या फिर इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन से हमारी बॉडी को इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो एंटीजेनिक प्रोटीन पैथोजन का इनएक्टिव पैथोजन को, या तो पहली चीज़ है कि एंटीजन प्रोटीन जो पैथोजन का है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारी बॉडी में. दूसरी चीज़ है कि इनएक्टिव या फिर वीक पैथोजन को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा थ्रू वैक्सीन. दो चीज़ें यहाँ पे. अब देखो, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट ऑफ दिस एंटीजन वुड यूटिलाइज द पैथोजेनिक एजेंट. अब इधर से क्या हो रहा है कि एंटीजन डाला जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि हमारा एंटीबॉडी लड़ जाएगा एंटीजन से. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी. वैक्सीन की वजह से ही मेमोरी जनरेट होती है. आपने किसी चीज़ की वैक्सीन ले ली, हमारे बॉडी में बी और टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को बहुत जल्दी, और थोड़ा सा भी एक्सपोजर होता है ना, लगता है ना कि हाँ ये एंटीबॉडी है, तो याद करके फटाक से वो एंटीबॉडी रिलीज कर देते हैं. ठीक है, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज अ टेटनस, वी नीड डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज. अब देखो, कुछ ऐसे डेडली इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि टेटनस हो गया, तो तुरंत उसकी सुई लगती है, इंजेक्शन लगता है ना टेटनस का, जिसमें कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी डाला हुआ रहता है. ठीक है, इसमें कि पहले से एंटीबॉडी बनाया हुआ रहता है और वही आपके बॉडी में डायरेक्टली डाला जाता है ना, ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन. ये जो टॉक्सिन रिलीज होता है ना टेटनस के द्वारा, उसी टॉक्सिन को ये एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करता है जो कि टेटनस के इंजेक्शन में होता है. इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट, स्नेक बाइट सांप के काटने पे भी जो एंटी वेनम दिया जाता है ना, कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम. स्नेक वेनम के जो सांप के जो जहर होती है उसके अगेंस्ट जो दिया जाता है वेनम, एंटी वेनम इंजेक्शन के थ्रू, वो भी क्या है, एक प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी का एग्जांपल है. दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, और ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन है क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है बॉडी के अंदर. ठीक है, नाउ कमिंग टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि होता है, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट. वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हेंस ग्रेटर अवेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन. एग्जाम्पल क्या है इसका, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो कि ईस्ट से प्रोड्यूस की जा रही है.
ठीक है, ये किस मेथड से बनाया जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, वो भी मैं कवर करने वाली हूँ उस चैप्टर को भी। सो ये हो गया हमारा अगला टॉपिक है एलर्जीज। ठीक है, एक बार लेट मी चेक कि कितने टॉपिक बचे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है और अभी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक बचे हैं। चलो जितना हो सकता है आई विल कवर, अदरवाइज आई विल मेक पार्ट टू। ठीक है, सो एलर्जी क्या है? When you have gone to a new place, जब आप किसी नए जगह पर जा रहे हो, suddenly you started sneezing, आप अचानक छींकना स्टार्ट कर दे रहे हो, wheezing, no explained reason, कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसा हो रहा है, your symptom disappeared, और वहाँ से आप जब चले गए वापस तो आपका symptom भी disappear हो गया, ऐसा क्यों होता है? तो some of the sensitive particle in the environment की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, सो कमिंग टू एलर्जी, वैन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली स्टार्टेड स्नीजिंग, जब आप नई जगह पर जाते हो अचानक से छींकने लगते हो, खांसने लगते हो, फिर वहाँ से लौट आते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम में से कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट के कुछ पार्टिकल को लेकर। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। अब ये जो चीज़ें हैं वो एलर्जी जो है वो पोलन की वजह से हो सकता है, माइट्स की वजह से हो सकता है, जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एलर्जी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एग्जैजरेटेड का मतलब बढ़ा चढ़ा के हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है कुछ एंटीजन जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनके रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स में हम छींकने लग जाते हैं, खांसने लग जाते हैं, तो ये होता है। ठीक है, नाउ जो एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण एलर्जी हो रहा है, वेदर इट इज डस्ट, पोलन ग्रेन, उनको हम एलर्जन कहते हैं। ठीक है, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप, और जो एलर्जी के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं एलर्जन। ठीक है, नाउ कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जन आर, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जन आर माइट हो गया, डस्ट, पोलन, माइट्स इन डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर, जानवरों के जो स्किन होती है ना, बाल के अंदर जो स्किन होती है, जैसे हमारे अंदर डैंड्रफ होता है, एनिमल के अंदर डैंडर है, वो सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन क्या होगा? स्नीजिंग होगा, वॉटरी आई होगी, रनिंग नोज होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। आप देखो, एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल, कुछ केमिकल होता है जिसके कारण एलर्जी के जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है? केमिकल जैसे रिलीज हुआ है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये मास्ट सेल रिलीज करता है, मास्ट सेल रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जेंस। ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन। अब आपको मतलब पता नहीं चल रहा डॉक्टर के पास गए हो किस चीज़ से एलर्जी है, तो आपको जो एलर्जन है ना उनकी थोड़ी थोड़ी डोजेस को क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा या फिर एक्सपोज किया जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि किस चीज़ से आखिरकार एलर्जी है। ठीक है, अब एलर्जी हो गई तो उसके रिस्पॉन्स में हम एंटी हिस्टामिन ले सकते हैं, एड्रेनलिन ले सकते हैं या फिर स्टेरॉयड को ले सकते हैं, जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। और आजकल मॉडर्न डे के लाइफस्टाइल के हिसाब से जो ये लोअरिंग इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, इसकी वजह से हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं एलर्जन के टू वन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जी होती है, स्पेशली मेट्रो सिटी में रहने वाले बच्चे हो गए, मेट्रो सिटी में रहने वाले जो बच्चे हैं वो इससे ज़्यादा सफ़र करते हैं इस एलर्जी से। और एज़मा हो गया, एज़मा भी कॉज होता है ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। ये क्यों होता है? मान लो कि किसी को पहले बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, घर में ही बंद रहता है, ठीक है, अचानक से एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है या फिर अचानक से नई सिटी में जाता है जो कि बहुत पोल्यूटेड है,
है ना, तो उस केस में ये हो सकता है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो कमिंग टू ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल. यानी कि ऑटो इम्यूनिटी वो होती है, ऑटो इम्यूनिटी होती है कि हायर वर्टिब्रेट्स में ये हमारे अंदर होगी. ठीक है, हायर वर्टिब्रेट्स में होगी. इसमें क्या होता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म का एक तो सेल होगा और एक हमारे बॉडी का सेल होगा. इससे हमारी बॉडी डिफरेंशिएट कर पाए कि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म का है और ये हमारा सेल है. ठीक है, तो इसी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं. वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस टू वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड. वन, हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्यूज द फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म. अब देखो, हायर वर्टिब्रेट फॉरेन मॉलिक्यूल्स और फॉरेन ऑर्गेनिज्म दोनों को डिस्टिंग्यूज कर सकते हैं. दूसरी क्या है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजिकल डील्स विद दिस एस्पेक्ट. टू, दूसरा क्या है, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर रीजन द बॉडी अटैक सेल, जो कि ऑटो इम्यून जिसको कहा जाता है. मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी बॉडी है जो बाहर के सेल को डिफरेंशिएट कर पा रही है, एक ये रीज़न है कि हमारी बॉडी डिटेक्ट कर पा रही है कि ये हमारा सेल और ये बाहर का सेल है. दूसरा है कि हमारा ही सेल जो है वो खुद के सेल को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है. और इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़. जब हमारा ही सेल हमारे सेल को अटैक करने लग जाता है तो हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि बहुत विच अफेक्ट मेनी पीपल इन आर सोसाइटी, इज एन ऑटो इम्यून डिजीज़. ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है. ठीक है, नाउ कमिंग टू इम्यून सिस्टम ऑफ आर बॉडी. हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में हमें पढ़ना है. सो इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यू, सेल होगा, सोलेबल मॉलिक्यूल जैसे कि एंटीबॉडीज होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऊपर हमने देखा है कि कैसे हमारी बॉडी फॉरेन आइडेंटिटी जिनको रिकोगनाइज करती है उनको रिस्पॉन्ड करती है और उनको रिमेंबर भी याद भी रखती है. द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले आर इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑटो इम्यून डिजीज में भी करता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी करता है, जो हमने देखा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाती है. ठीक है, नाउ लिम्फोइड ऑर्गन क्या है उसके बारे में देखो. ये ऐसे ऑर्गन हैं वेयर ओरिजिन मैच्योरेशन एंड प्रोलीफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर. लिम्फोसाइट आपने पढ़ा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो लिम्फोइड ऑर्गन में ही वो ओरिजिनेट होंगे और मैच्योर होंगे. ठीक है, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मैरो. ब्रोन मैरो होगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और थाइमस होगा. वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इंटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट. जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट क्या होगा, डेवलप होगा और एंटी सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनेगा. कहाँ पे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर. नाउ आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद लिम्फोसाइट क्या होगा, माइग्रेट कर जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल होता है स्प्लिन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है. तो लिम्फोसाइट एक बार बनेगा, मैच्योर होगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में और मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में माइग्रेट कर जाएगा. ठीक है, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन. अब यहीं पर इंटरेक्शन होगा एंटीजन का और हमारा लिम्फोइड ऑर्गन और हमारा एंटीबॉडी एंटीजन का यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, विच देन प्रोलीफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल. उसके बाद यहाँ पे इफेक्टर सेल बनेगा, प्रोलीफरेशन होगी उसके बाद इफेक्टर सेल बनेगी यहाँ पे. द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन. देखो यहाँ पे वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन का थाइमस, लिम्फ नोड देखो, थाइमस यहाँ पे और लिम्फेटिक वेसल्स है. तो ये समझ रहे हो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड करता है साइट. किसके लिए साइट प्रोवाइड करेगा, इंटरेक्शन के लिए लिम्फोसाइट का एंटीजन के साथ. ठीक है, उसके बाद वो प्रोलीफरेट होके इफेक्टर सेल बनेगा. और यहाँ पे हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेशन है वो दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट है. बोन मैरो के बारे में पढ़ते हैं. बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन. मेन लिम्फोइड ऑर्गन है बोन मैरो, जहाँ पे जितनी भी ब्लड सेल है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है. थाइमस के बारे में देखो, तो थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि हार्ट और बीनीथ ब्रेस्ट बोन के पास होती है. यहाँ पे हार्ट होता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होती है. द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ. बर्थ के टाइम पे तो लार्ज होती है, लेकिन एज के साथ साथ इसका साइज रिड्यूस हो जाता है और प्यूबर्टी के टाइम पे ये अटेंड इट रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल साइज. ठीक है, बहुत छोटा साइज हो जाता है. यहाँ पे बोथ बोन मैरो एंड थाइमस, दोनों बोन मैरो और थाइमस दोनों ही इन माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एंड ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट को मैच्योरेशन के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस बोन मैरो और थाइमस में प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, स्प्लीन क्या है, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन स्प्लीन है. मेनली कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट. लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स होते हैं इसके अंदर. स्प्लीन क्या करती है, एक फिल्टर ऑफ ब्लड के जैसा एक्ट करती है. वो ट्रैप करेगी ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्लीन और एक फिल्टर के जैसे एक्ट करेगी. इसके अलावा स्प्लीन इरिथ्रोसाइट का लार्ज रिजर्वोयर भी है. इरिथ्रोसाइट यहाँ पे स्प्लीन के अंदर होगा.
ठीक है। और लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग पॉइंट पर लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड भी ट्रैप करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर एंटीजन को, और विच हैपन टू गेट द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। अब एंटीजन जो ट्रैप रहेगा लिम्फ नोड में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट के लिए, और इसी की वजह से फिर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है। नाउ देर आर लिम्फोइड ऑर्गन ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक। ट्रैक की लाइनिंग पे भी प्रेजेंट होती है लिम्फोइड टिश्यू, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अराउंड लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव के अराउंड होगा, यूरोजेनाइटल ट्रैक के अराउंड होगा लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट, और एंड कॉल्ड म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू माल्ट जिसको कहते हैं, जो कि अलग अलग ट्रैक के अराउंड प्रेजेंट होगा लिम्फोइड टिश्यू, उसको हम माल्ट कहेंगे। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। तो 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू कहा क्या होगा? वो माल्ट होगा। ठीक है। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब पढ़ते हैं हम एड्स। एड्स क्या होता है? तो देखो एड्स का फुल फॉर्म देख लो तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। अब ये मेनली होता कैसे है, इसका मतलब क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब कमी। तो इसमें क्या होगा? डिफिशियंसी हो जाएगा इम्यून सिस्टम में, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज़ कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है एड्स, यानी कि ये जेनेटिक्स नहीं है, ये हम एक्वायर करते हैं। ठीक है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम मतलब बहुत सारे सिम्टम्स इंक्लूड हो जाएंगे तो सिंड्रोम उसको कहते हैं। एड्स पहले रिपोर्ट हुआ था 1981 में, फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था इन लास्ट 25 ईयर अगो। अब जो पिछले 25 साल से ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है इससे, 25 मिलियन प्लस लोगों की। ठीक है। एड्स किसके द्वारा कॉज किया जाता है? HIV वायरस के द्वारा, जिसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस भी कहते हैं। फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये एक मेंबर है, ये वायरस क्या है? रेट्रोवायरस है ना। रेट्रोवायरस क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, RNA से DNA को बनाएगा। अब देखो रेट्रोवायरस विच हैज इनवेलप, इसके पास इनवेलप है जिसमें कि वो RNA जीनोम को इंक्लोज करके रखता है। ठीक है। अब ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन कैसे होता है? या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर बना रहा है कोई, तो या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसके ब्लड में जिसको ऑलरेडी HIV है, एड्स है, और उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया गया, तो भी एड्स हो सकता है। तीसरी चीज़ है बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, उसके केस में भी हो सकता है। इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर, मान लो जो ड्रग्स लेते हैं उनके केस में ये देखने को मिलता है। चौथा है कि ये वायरस प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है और मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। तो ये भी हाई रिस्क है। इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ड्रग अडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चाइल्ड बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, ये जो सारे हैं वो HIV एड्स के हाई रिस्क पे होते हैं। इनको हाई रिस्क है किस चीज का? एड्स होने का। ठीक है। डू यू नो वेन डू पीपल नीडेड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? बताओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब रिपीटेड नीडेड होता है, ये मुझे बताना कि कब नीडेड होता है। जब लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उनको बार बार ब्लड लेना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ता है। ठीक है। कमेंट डाउन, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। मेक लिस्ट बनाओ, आप तो एक ही कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में जो कि आप लोगों को शायद पता होगा, विच इज़ वेरी फेमस। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर मान लो आप किसी को टच कर रहे हो, हग कर रहे हो, तब HIV और एड्स नहीं फैलता है। इट इज स्प्रेड थ्रू ब्लड फ्लूड, ब्लड फ्लूड से फैलेगा डायरेक्टली, ब्लड कॉन्टैक्ट है तो, या फिर सेमाइनल फ्लूड, जेनाइटल फ्लूड से भी फैलेगा। ठीक है। तो द HIV इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटीज, देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिंड्रोम। अब देखो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वेलबिंग के लिए उस पर्सन को आइसोलेट नहीं करा जाए फैमिली से, है ना, क्योंकि मेनली ट्रांसफ्यूजन वो जो मेनली ट्रांसमिट हो रहा है वो टच की वजह से नहीं हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं हो रहा है। जो हो रहा है ये इन्फेक्शन फैल रहा है, वो ब्लड की वजह से फैल रहा है, ब्लड फ्लूइड की वजह से फैल रहा है, जेनेटिक फ्लूइड की वजह से फैल रहा है। अब देखो मान लो इन्फेक्शन हुआ, किसी को इन्फेक्शन हुआ एड्स का, उसके बाद सिम्टम्स शो होने में एक टाइम लैग, टाइम डिफरेंस लगेगा, और ये टाइम लैग क्या होगा? 5 से 10 ईयर। तो 5 से 10 साल के बाद भी सिम्टम्स शो हो सकता है, अभी नहीं है, 5 से 10 साल के बाद हो सकता है। ठीक है। अब देखो आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर इन टू मैक्रोफाज वेयर द RNA जीनोम और वायरस रेप्लीकेट टू फॉर्म वायरल DNA। अब क्योंकि मैंने बताया ये कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है। तो रेट्रोवायरस क्या करेगा कि DNA से RNA बनाएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, RNA से DNA बनाएगा, तभी तो रेट्रोवायरस है।
क्या करेगा, ये आरएनए से डीएनए बनाएगा। सो देखो क्या होगा, बॉडी में आया एक पर्सन के वायरस एंटर किया, अब वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट, आरएनए जीनोम वायरस का रेप्लिकेट करेगा और फॉर्म क्या करेगा, वायरल डीएनए, आरएनए से डीएनए बना, इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से हो पाता है। अब उसके बाद क्या करेगा, आपको मैं ना ये ऊपर डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आया वायरस, रेट्रोवायरस यानी एचआईवी, कोई भी रेट्रोवायरस। अब क्या करता है, एनिमल सेल है ये जो बाहर आउटलाइन दिख रहा है, एनिमल सेल है, इसके अंदर आया वायरस, इंट्रोड्यूस हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसमें कि कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है, कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके मदद से आरएनए से डीएनए बना। अब ये डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट के जीनोम के साथ, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट के जीनोम के साथ, ठीक है, और उसके बाद फिर नए वायरल आरएनए को प्रोड्यूस करेगा, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके बेबी वायरस, नए नए बेबी वायरस को प्रोड्यूस करेगा, और ये बेबी वायरस क्या करेगा, आगे जाके और भी बहुत सारे सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा, और फिर ये सेल इन्फेक्टेड सेल आएगा, फिर से क्या करेगा, ये साइकिल फिर क्या होगी, फॉलो होगी, ठीक है। तो ये यहीं पर यह बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ और है तो वो हम पढ़ लेते हैं। टी लिम्फोसाइट, द मैक्रोफाज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड दिस वे एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफाज जो है वो कंटिन्यू करेंगे वायरस को प्रोड्यूस करना, और एचआईवी फैक्ट्री मतलब एक तरीके से पूरा खाई वायरस ही वायरस इतना मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। साथ साथ में एचआईवी एंटर करेगा हेल्पर टी सेल में, है ना, टी सेल में एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो टी सेल में एंटर करेगा, रेप्लिकेट करेगा और नई नई प्रोजेनी बनाएगा, ठीक है। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब इतना वो नंबर बना रहा है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है कि टी लिम्फोसाइट बहुत इन्फेक्टेड हो गया है, टी लिम्फोसाइट का नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट विल रिड्यूस नाउ इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तभी इसको इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी डिफिशियंट हो जाएगा फिर वो आदमी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर अबाउट ऑफ फीवर, फीवर होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होने लगेगा, सिम्टम्स में ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं, और सिम्टम्स शो होने में कितने 5 से 10 साल लग जाते हैं। द पर्सन स्टार्ट टू सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम दोज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। अब देखो क्या होगा कि पेशेंट जो है इतना इम्यूनो डिफिशियंट बन जाएगा कि वो अनेबल टू प्रोड्यूस, कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो इनेबल हो जाएगा, नहीं लड़ पाएगा किसी भी इन्फेक्शन से, ये कंडीशन हो जाता है। नाउ टेस्ट कौन सा होगा एड्स के लिए, तो एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिस इलीजा, ये टेस्ट क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा एड्स को, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, मतलब पूरी तरीके से ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, पार्शियली अफेक्टेड है, दे ओनली प्रोलोंग द लाइफ, मतलब लाइफ तो बढ़ा देगा। ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, किसी एड्स सफर कर रहा है पेशेंट को, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है। मान लो पहले लाइफ 50 ईयर्स थी, अब 60 हो सकती है, लेकिन जो है इवेंचुअली इसकी डेथ हो जाएगी, ये क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। क्या है, ये क्यूरेबल नहीं है, नॉट क्यूरेबल, लाइफ बढ़ेगी बट वो क्योर नहीं हो सकता है, लास्टली डेथ ही होनी है, ठीक है। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एड्स को, सो प्रिवेंट के लिए पहली बात तो इसका कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन हेयर, क्योंकि उसके बाद तो क्योर है ही नहीं। एच आई वी इन्फेक्शन मोर ऑफन ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज समथिंग दैट हैपन इन एडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफॉइड। ऑफकोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट हो गया, न्यू बॉर्न से मदर में हो सकता है, मे टेक प्लेस ड्यूरिंग द पुअर मॉनिटरिंग, ओनली एक्सक्यूज में बी इग्नोरिंग एंड इट हैज़ बीन राइटली से डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ये आपने सुना होगा डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की वजह से डेथ हुई है, ये तो बहुत वैसी बात हो गई कि इग्नोर किया तो डेथ हो गई। हमारे कंट्री में, यहाँ पे देखो, हमारे कंट्री में नाको जो हो गया और अदर नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जो कि है, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं लोगों को एडुकेट करने के लिए एड्स के बारे में, कि कैसे आप एड्स से बच सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो ब्लड बैंक सेफ बनाया जाए, डिस्पोजेबल, अच्छे से नीडल को डिस्पोज किया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह क्लिनिक्स में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, क्यों, ताकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोई ना करे, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल किया जा सके, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स के बारे में सबको बताया जा सके, प्रमोट किया जाए रेगुलर चेकअप फॉर एचआईवी इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ये सारे स्टेप्स ले सकता है कोई टू प्रिवेंट देमसेल्फ फॉर फ्रॉम गेटिंग एचआईवी वायरस, ठीक है। इन्फेक्शन विथ एचआईवी और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, ये छुप नहीं सकता है, सिंस देन द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू वन मोर पीपल। तो ये जो है आपको छुपाना नहीं चाहिए, अगर मान लो किसी को एड्स है, एचआईवी है, तो ये छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है। आसपास के एनवायरनमेंट, इन आसपास की सोसाइटी को पता होना चाहिए, ठीक है। एचआईवी एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपथी, और मान लो अगर कोई बता रहा है तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको लोग
उनको और ऊपर से बात बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, उनको गलत नज़र से देख रहे हैं. दिस शुड नॉट बी डन. उनको नीड होती है हेल्प की, सो वी शुड हेल्प देम. नाउ अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड विथ इन कलेक्टिव मैनर, द चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ डिजीज इंक्रीज मैनिफोल्ड. अब बताओ कि अगर लोगों को बताएगा ही नहीं कोई, क्योंकि लोग इस तरीके से उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो ये बीमारी जो है वो फैलेगी ही. इसीलिए हमें एडुकेट होना है, लोगों को एडुकेट करना है, सोसाइटी को एडुकेट करना है, और इस डिजीज़ को मिल के प्रिवेंट करना है ताकि ये स्प्रेड ना हो. ठीक है, क्योंकि इस केस में प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन. सो होपफुली एड्स क्लियर होगा. इसकी जो लाइफ साइकिल है रेट्रोवायरस की, वो वाला डायग्राम अच्छे से देख लेना आप, इम्पॉर्टेंट है वो. नाउ कमिंग टू कैंसर. सो कैंसर क्या है? कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेस्ट डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग. सबसे खतरनाक डिजीज है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेस्ट है, खतरनाक डिजीज. इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ओवर ऑल द ग्लोब. मतलब पूरे अर्थ पे जो वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडलीस्ट डिजीज है, जिससे डेथ होती है, वो है कैंसर. मोर देन अ मिलियन ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इवन डाई फ्रॉम इट एनुअली. साल में बहुत सारे लोग इससे डेथ भी होती है बहुत लोगों की. द मैकेनिज्म लाई अंडर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर एंड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल. अब ये कैसे होता है कैंसर का सेल, ऑन्कोजेनिक सेल जो होता है, ऑन्कोजेनिक सेल मतलब जो सेल कैंसर से अफेक्टेड है, कैंसरस सेल. ठीक है, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन. बायोलॉजी मेडिसिन में रिसर्च भी किया जा रहा है इसके ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, इन आर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज द हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन होता है, बहुत कंट्रोल्ड प्रोसेस है ना. सेल साइकिल, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि कैसे कैसे सेल डिवाइड होती है, कैसे ग्रो होती है. इन कैंसर सेल देर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. कैंसर सेल में ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो नहीं होती है. मतलब सेल जो है डिवाइड करने लगते हैं अनकंट्रोलेबली, कंट्रोल ही नहीं होता है, डिवीजन होते जाता है ऐसा. नॉर्मल सेल जो है वो शो करता है प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ठीक है, बाई वर्चू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल इनहिबिट द कंट्रोल ग्रोथ. ठीक है, तो हमारे नॉर्मल सेल में कंट्रोल डिवीजन होता है, बट कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. एज अ रिजल्ट कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर. सो कैंसर सेल जो है वो डिवाइड करते जाएगा, कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा और जो मास ऑफ सेल बनाएगा, इसी को हम कहते हैं ट्यूमर्स. ठीक है, अब ये देखो, ये ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट. बेनाइन ट्यूमर वैसे होते हैं जो कि नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन और स्प्रेड नहीं होते. तो बेनाइन क्या होगा? स्प्रेड नहीं होगा, डू नॉट स्प्रेड. बट जो मैलिग्नेंट होगा ना, मैलिग्नेंट वो स्प्रेड होगा. मैलिग्नेंट ऑन द अदर हैंड इज अ मास ऑफ प्रोलीफरेशन कॉल न्योप्लास्टिक और ट्यूमर सेल. मैलिग्नेंट वाला ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिवाइड होगा, बहुत मास ऑफ प्रोलीफरेटिंग सेल होगा, और ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है और सारे सेल को इन्फेक्ट कर देता है. ठीक है, सेल्स लाउड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइट थ्रू ब्लड एंड वेयर एवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर देयर. जहां भी जाएगा, जहां भी ब्लड के थ्रू जाएगा किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में, वहां जाके वो ट्यूमर प्रोड्यूस करने लगेगा, बहुत रैपिडली डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ट्यूमर फॉर्म कर देगा. ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जो भयानक प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की. अब देखो कैंसर कैसे कॉज होता है, कॉज होने का रीजन क्या है. ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जब नॉर्मल सेल का कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल में, तो ये कैसे हो सकता है इंड्यूस? फिजिकल मेथड, फिजिकल एजेंट की वजह से, केमिकल एजेंट की वजह से, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से. और जो एजेंट चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, कैंसर को कॉज करता है, उनको हम कार्सिनोजन कहते हैं, उसको कार्सिनोजन कहा जाता है. अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं. अब अगर बात करें आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी हो गया, वो डीएनए को डैमेज करेगा. डीएनए को डैमेज करेगा तो ये क्या होता है, नियोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसके बाद एक केमिकल जो है कार्सिनोजेनिक तंबाकू में प्रेजेंट होता है, टोबैको जो स्मोक वगैरह में यूज होता है, वो भी क्या करता है, कार्सिनोजन सेल को प्रोड्यूस करता है. तो एक तो हो गया कि रेडिएशन से होगा, दूसरा आपका टोबैको वगैरह अगर कोई खा रहा है, पी रहा है, तो उसकी वजह से भी होगा, और मेनली टोबैको जो स्मोक है वो लंग कैंसर का कॉज होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंसर कॉजिंग वायरस, जो वायरस से भी कैंसर होता है. एक तो ये फिजिकल एजेंट हो गए, केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट हो गए, उनसे होता है, साथ साथ में कुछ वायरस होते हैं जिनको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, और वो भी क्या करते हैं, हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेन, और वो भी कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं. फर्दर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेन, जैसे कि सी ऑन्कोजेन और प्रोटो ऑन्कोजेन हैव आइडेंटिफाइड नॉर्मल सेल, विच वेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टन कंडीशन, तो वो ऑन्कोजेनिक सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. सर्टन सेल ऑन्कोजेनिक सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, अब इसका डिटेक्शन कैसे हो करा जाए कैंसर का? तो कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, पहले तो डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि इससे ट्रीट हो सकती है डिजीज़. कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी होगी, या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होगी टिशू की,
है ना, एंड बोन मैरो टेस्ट होगा फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमियाज। ठीक है, बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि एक टिश्यू का पार्ट लिया जाता है, कट किया जाता है थिन सेक्शन का, उसको स्टेन किया जाता है, क्योंकि टिश्यू स्टेन नहीं करोगे तो दिखेगी नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर ना, तो और एग्जामिन किया जाता है उसको किसके द्वारा, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है एक्सरे यूज़ किया जाएगा, सिटी स्कैन आपने सुना होगा, सिटी स्कैन की मदद से भी डिटेक्ट होता है और एमआरआई की मदद से भी होता है डिटेक्ट। ये सारे टेक्निक जो है वो कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, इंटरनल ऑर्गन के कैंसर जो होता है उसमें। ठीक है, अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो गया जैसे एक्सरे, टू जनरेट 3D इमेज बनाई जाती है, और या फिर MRI हो गया, MRI के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है MRI से, जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को करेक्टली डिटेक्ट करता है। ये सब कहाँ पे होता है, पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट के पास, पैथोलॉजी इनको डिटेक्ट करते हैं। नाउ एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। ठीक है, एंटीबॉडी को भी यूज किया जाता है डिटेक्ट के लिए, डिटेक्शन के लिए। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल। टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज करके डिटेक्ट किया जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच प्रेडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू कैंसर सेल, इससे पहले ही डिटेक्ट कर दिया जा सकता है और ये हेल्पफुल हो जाएगा प्रिवेंट करने में कैंसर को। ठीक है, तो इंडिविजुअल सच इंडिविजुअल में भी एडवाइस टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन। उनको मैं कैसे अवॉइड होगा कि उनको पर्टिकुलर कार्सिनोजन से बोलेगा कि तुम यहाँ का पर्टिकुलर कार्सिनोजन से तुम दूर रहो। ठीक है, जो कि हाईली ससेप्टेबल है, जैसे कि टोबैको का यूज़ करना जो कि मेनली लंग कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए कैंसर का। सो द मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन एंड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो ये सब की मदद से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। मेनली रेडियोग्राफी में क्या होता है कि ट्यूमर सेल को इरेडिकेट किया जाता है। ठीक है, इरेडिकेट मतलब उसको हटाया जाता है, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास, मतलब जो नॉर्मल टिश्यू है जो कि ट्यूमर मास से सराउंडेड है उनका प्रॉपर केयर किया जाता है, केमोथेरेपी की जाती है और कैंसरस सेल को मारा जाता है। ठीक है, सम ऑफ द स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर, मतलब स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट, तो ये जो यूज़ किया जाता है ड्रग्स जो होते हैं उनका साइड इफेक्ट हेयर लॉस हो सकता है, अनिमिया हो सकता है। ठीक है, और मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी। अब कैंसर को ओवरऑल कैसे ट्रीट किया जा सकता है, सर्जरी हो सकता है, रेडियोग्राफी हो सकती है, केमोथेरेपी हो सकती है, इन सब की मदद से कैंसरस सेल को, कैंसर को, ट्यूमर सेल को ट्रीट किया जा सकता है और कैंसर को क्या किया जाता है, कैंसर को क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, ट्यूमर सेल इम्यून सिस्टम के द्वारा भी डिटेक्ट कर लिया जाता है और डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर एंड अल्फा इंटरफेरोन। अल्फा इंटरफेरोन क्या एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ये डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हमारा जो टॉपिक बचा है वो बचा है ड्रग अब्यूज। ठीक है, सो आज के वीडियो में ड्रग अब्यूज, एडिक्शन ये तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसको आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है। होपफुली आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन गो थ्रू किया है, एक एक पॉइंट को आपको बताया है, एक एक चीज़ को पढ़ाया है। कोई भी डाउट होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।